ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए अपना एंट्री हो चुका है और हमने बाय किया है 44,400 का पी। तो करेंटली देखिए तो 200-300 के आसपास का अपना लॉस चल रहा है और हमने इस वाले कैंडल पे एंट्री बनाया है। तो जस्ट अब यहाँ पे हम वेट करते हैं, एंट्री यहाँ पे क्यों बनाया हम लास्ट में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट में अभी क्या मोमेंटम मिलता है हमें। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए अपना एसएल हिट हो चुका है और जो लॉस बुक हुआ वो 705 रुपये के आसपास का लॉस बुक हुआ है। पोजीशन कब बनाया था हमने, देखिए 9:40 में पोजीशन बनाया था, 10:30 में हमने एग्जिट कर दिया। लगभग एक घंटा लगा, हमने काफ़ी टाइम यहाँ पे वेट किया। ठीक है, बात कर लेते हैं हमने यहाँ पे सेलिंग साइड का पोजीशन क्यों बनाया था। देखिए मॉर्निंग में मेरा व्यू था मैं सेलिंग साइड का पोजीशन बनाऊंगा, लेकिन देखिए गैप अप काफ़ी ज़्यादा ओपन हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली सेलिंग साइड का पोजीशन नहीं बनाया। मैंने मार्केट को आराम से देखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया। मार्केट ओपन होते ही डायरेक्टली अपसाइड का मोमेंटम कर रहा था अच्छा खासा, और ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट किया था इसका यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए तो ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट किया था, फिर यहाँ पे जब रिजेक्शन लिया यहाँ पे भी मैंने बाई नहीं किया। फिर देखिए मार्केट ये वाला कैंडल बना के जब ऊपर भागने लगा, हल्का मुल्का इसका ब्रेकआउट किया, तब जाके मैंने यहाँ पे सेलिंग साइड का पोजीशन बनाया। या स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद यहाँ कहीं पर मैंने एंट्री लिया। ठीक है, यहाँ कहीं पर एंट्री लिया, क्यों एंट्री लिया, देखिए ये वाला कैंडल अगर थोड़ा ऊपर आ जाता ये 44,500 के आसपास तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और वेट करता पोजीशन बनाने के लिए। बट देखिए एग्जैक्ट ये इसका ब्रेकआउट देते यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये 44,500 के आसपास से अगर सेलिंग आता तो वहाँ पे चांस था कि ट्रैप होने का, लेकिन यहाँ से मेरे को लग रहा था कि मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम मेरे को मिल जाएगा आराम से 150 पॉइंट का, तो हमने यहाँ कहीं पर एंट्री बना लिया। बाकी देखिए मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया, यहाँ पर साइडवेज होने लगा। इसका रीज़न क्या था कि देखिए निफ्टी अगर देखेंगे ना, निफ्टी को देखने से समझ में आएगा। ये देखिए निफ्टी को देखिए कितना अच्छा निफ्टी में सेलिंग आया। ये जो निफ्टी में सेलिंग आया ये मुझे एक्सपेक्टेड था कि बैंक निफ्टी में सेलिंग मिलेगा, बट बैंक निफ्टी क्या हुआ कि होल्ड करने लगा और निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ही नेगेटिव हो गया। वैसे केस में तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल हो गया, इस लेवल के आसपास प्रॉब्लम थोड़ा दिख रहा था क्योंकि निफ्टी ने क्या किया था कि अपने लो का ब्रेकडाउन कर दिया था, तो लग रहा था कि यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा। लेकिन देखिए फिर भी क्या करें, यहाँ से अब अगर पोजीशन चेंज करके मैं सी साइड में बैठता तो यहाँ से भी प्रॉब्लम थोड़ा सा क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल का ब्रेकआउट करता, इस लेवल का ब्रेकआउट करता, फिर डाउन साइड आने का प्रोबेबिलिटी था। तो वो सोच के मैंने यहाँ पे कोई पोजीशन चेंज नहीं किया। बाकी ठीक है, हमने कोई ज़्यादा बड़ा लॉस बुक नहीं किया, जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था और प्लान के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना चाहिए। प्रॉफिट और लॉस वो बाद में देखा जाएगा। तो ठीक है गाइस, यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।